हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को साधारण, टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगने वाली गुजिया की रेसिपी को बताने जा रही हूँ। इसे आप खोआ यानी मावा या फिर बिना मावा डाले हुए भी बना सकते हैं। आइए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में एक चम्मच घी को डालें और इसे मेल्ट होने के बाद इसमें आपके पास जो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसे लें। यहाँ पर मैं अलमोंड, किशमिश और कुछ मूंगफली के दानों को ली हूँ। इसे हल्का रोस्ट कर लें और इसे एक बर्तन में निकाल कर इसका हल्का मोटा पाउडर तैयार कर लें। इसके बाद इसी कढ़ाई में एक कप सूजी को डालें। अगर आपकी सूजी मोटी हो तो इसे एक बार मिक्सी जार में चला लें। इस सूजी को 3 से 4 मिनट तक हल्का रोस्ट करने के बाद मैं यहाँ एक कप नारियल के पाउडर, जिसको मैं घर पर तैयार की हूँ, इसे डालूँगी और इसके साथ 2 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। अगर आपके पास खोआ हो तो आप खोआ को डालें और ना हो तो इसे स्किप कर दें। यहाँ पर मैं एक कप खोए को ली हूँ। ये रेडीमेड खोआ है, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। इसे डालने के बाद इन सभी सामग्रियों के साथ इसे भी हल्का भून लें। अब मैं यहाँ पर बनाए हुए ड्राई फ्रूट्स के पाउडर, जिसको मैं पहले रोस्ट की थी, उसे भी डालूँगी और इसे भी मिलाकर थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। बंगाली में गुजिया को नरकुल्ली कहते हैं और ये बंगालियों का बहुत ही टेस्टी व्यंजन है। अब मैं यहाँ पर एक चम्मच इलायची का पाउडर को डालूंगी और इसे थोड़ी देर मिलाने के बाद इसमें पीसी हुई चीनी, इसमें मैं सभी सामग्रियों को एक एक कप करके डाली हूँ, इसलिए चीनी को भी एक कप के परिमाण में डालूंगी। और चीनी को डालने के बाद आप गैस के फ्लेम को बंद कर दें, क्योंकि हमें चीनी को मेल्ट नहीं करना है। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद इसे हल्का चला दें ताकि आपकी चीनी ना ही गलेगी और ना ही पिघलेगी। अब मैं यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैदे को ली हूँ और इसमें नमक और काला मंगरेला को डालकर गूंद ली हूँ और इसके छोटे छोटे लोए को बना लेंगे। इस तरह से सारे लोई को तैयार कर लूँगी और इसे अब पूरी के साइज में बेल लूँगी। इसे एक बार बेलने के बाद साँचे के ऊपर रखूँगी। देखिए, ये साँचे से छोटा है, इसलिए हमें इसे साँचा से बड़ा बेलना है। इस तरह से बड़ा बेलकर इसमें तैयार किए हुए मटेरियल को डालूंगी। अगर आपको इस सामग्री को कम भरना हो तो आप 1 चम्मच भर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पूरा भरूंगी। इस तरह से भरने के बाद प्रेस कर दें और एक्स्ट्रा बचे हुए आटे को निकाल लें। देखिए ये कितनी सुंदर बन गई है। इस तरह से मैं दूसरे गुजिये को तैयार करूंगी। देखिए ये पूड़ियों को बड़े साइज में बेलना है और बेलने के बाद इसे बीच में सही तरीके से रखना है। इस तरह से 2 चम्मच करके मैं तैयार किए हुए
सामग्री को डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से दबाने के बाद एक्स्ट्रा जो आटे निकले हुए हैं इसे निकाल लूँगी और इसे हल्का प्रेस कर दें ताकि इसकी मुंह अच्छी तरह से सील हो जाए। देखिए कितनी अच्छी नरकुल्ली बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से मैं इसे तैयार कर ली हूँ। अब ऑयल को गर्म कर ले। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसे बारी बारी से डालें। ये गुजिए साइज में बड़े हैं और पूरी अच्छी तरह से भरी हुई है, इसलिए मैं इसे दो चार कर ही फ्राई करूँगी। ध्यान रहे गैस के फ्लेम को हाई ना रखें और ना ही लो रखें, मीडियम में रखकर इसे अच्छी तरह से उलट पुलट कर पकाएं और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करें। बिल्कुल इसी तरह से देखिए इसे आप अपने घरों में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह से बाकी के बचे हुए गुजिए को डालकर उसे भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स का हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये हल्का सुनहरा रंग का हो गया है, इसे एक एक करके निकाल ले और टेस्ट कर मुझे बताइए कि आपकी गुजिए कैसी बनी है। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।